नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अलग बोलेट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे गवर्नमेंट टाइप के बारे में। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि जिससे हमारे गवर्नमेंट में अब नई अपडेट आई है, हम यूट्यूब भी नहीं चला पा रहे हैं और सब ना ही हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक हो रहा है, प्ले स्टोर भी किसी के टैब में ओपन हो रहा है किसी के टैब में ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टैब से थोड़ी सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलो दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सरकार की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है, बल्कि न्यूज़पेपर में एक खबर आई है कि सरकार ने बताया है कि बच्चों के टैब के अंदर कुछ नए ऐप दिए जाएंगे जिससे कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। दोस्तों किसी बच्चे ने सरकार को शिकायत की है कि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं टैब के अंदर। सरकार ने सभी स्कूलों में जाकर पूछा था कि क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं टैब में, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ और ऐप की ज़रूरत है। तो दोस्तों सरकार ने कहा है कि हम टैब के अंदर न्यू अपडेट लाने वाले हैं जिससे कि आप एक या दो ऐप नए आ जाएंगे आपके टैब में। तो दोस्तों इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम अपने टैब के अंदर सभी जो भी आप नई अपडेट आएगी टैब के अंदर, उससे अगर टैब के अंदर कोई बग आ जाता है तो हम उससे यूट्यूब और गूगल वो चला पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों इस ट्रिक को हम जल्दी ले आएंगे और पहले मैं आपको वो पढ़कर सुना देता हूँ जो सरकार ने न्यूज़पेपर में लिखा है। तो दोस्तों ये वो नोटिस है जो सरकार ने जो न्यूज़पेपर में नोटिस आया है, वो ये वाला नोटिस है। दोस्तों आप इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा रहा है, स्टूडेंट से किए सवाल जवाब बाकी विषय भी टैब से जोड़ने के लिए आदेश। तो दोस्तों ये सरकार के द्वारा यहाँ पर वो लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है, शिक्षा निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर के इंदिरा बेनीवाल बुधवार को जिले के 4 सरकारी स्कूलों में टैबलेट का स्टेटस जानने के लिए हिसार पहुँची। उन्होंने गांव गंगवा मॉडल टाउन पटेल नगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और जहाजपुर समीप राज्य और मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का करीब 4 घंटे तक निरीक्षण किया। डिप्टी डायरेक्टर ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान टैबलेट का यूज करने से लेकर संबंधित परेशानियों को सवाल पूछे। विद्यार्थियों ने बताया कि 10वीं कक्षा में हिंदी अंग्रेजी और सोशल साइंस विषय के पाठ्यक्रम टैबलेट में अपडेट हैं, जिसमें गणित या साइंस के पाठ्यक्रम को जोड़ने चाहिए। जबकि जाजपुर समीप राज्य के मॉडल विद्यालय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में डिप्टी डायरेक्टर इंदिरा बेनीवाल स्टूडेंट से बातचीत करती हुई 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने बताया कि हिंदी अंग्रेजी विषय के पाठ्यक्रम अपडेट है, जिनमें कॉमर्स शास्त्र और बायोलॉजी विषय में के पाठ्यक्रमों को जोड़ना चाहिए जिससे पढ़ाई का अधिक फायदा टैबलेट को से उठा सके। डिप्टी डायरेक्टर इंदिरा बेनीवाल ने बताया कि हमने हिसार के 4 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया था, जिसमें पाया कि कुछ विद्यार्थियों के पास टैबलेट चलाने के लिए सिम उपलब्ध नहीं मिले, कुछ विद्यार्थियों को एडमिशन देरी से होने का टैबलेट नहीं मिल पाए। इसको लेकर तुरंत टैबलेट व सिम उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। रविवार से ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया जा रहा है, जिनमें वोकेशनल टीचर 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट को चलाने की ट्रेनिंग देंगे। जहाजपुर समीप राज्य के मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य कृष्ण कुमार ने बताया कि टैबलेट प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारी फीडबैक भी ले रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा कि आपके स्कूल में कोई आएगा जो आपको टैबलेट को चलाना सिखाएगा, कि अगर आपको टैबलेट यूज़ नहीं करना आता है तो उसके बाद आप अपने टैबलेट को सही तरीके से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि सरकार ने न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, और दोस्तों अब आप जल्द ही नई ट्रिक ले आएंगे। अगर टैब के अंदर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा, और अगर सरकार कोई नए ऐप लेकर आ जाती है आपके टैब में तो उससे मैं गूगल और यूट्यूब का ऐप चलाते हैं वो आपको बता दूंगा। तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर देना जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। चलो दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट को लेकर।